कितना सुंदर घर है। ये बहुत सुंदर घर है रमनी। और उसके बाद वो भूत उस पूरे घर में हमेशा के लिए रह गया। भैया होता है, भूत बोलता है। ये कैसी आवाज आ रही है? एक बार कह दिया ना, शीशे में मैं नहीं थी, समझ नहीं आता क्या? अनायता, ये क्या हो गया बेटा? अनायता नहीं हूँ मैं। तो तुम कौन हो? किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। सर दर्द हो रहा है। सर दर्द? आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? वो ना? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा। तुम्हारा सर दर्द हो रहा है ना, तुम आराम करो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। पुनीत, पुनीत। हाँ जी रमनी। मुझे लग रहा है ये जो कुछ भी था, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये उस शीशे की वजह से हो रहा है। इस घर में जो कुछ भी है, मुझे लगता है कि अब वो ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने उस शीशे को ही ढक दिया है। अब तुम इस बारे में किसी से बात मत करना, ना अनायता से ना बच्चों से, वो बिना बात के डर जाएंगे। अब ठीक कह रहे हो रमी, हमें इस बात को सीक्रेट ही रखना चाहिए। नहीं बट हम इस शीशे का क्या करें? मैं किसी को बुलवा के वो वाला शीशा हटवा ही देता हूँ। तब तक तुम ऐसा करो, वो वाला बाथरूम लॉक ही रहने दो। हाँ ये ठीक है। Later. अनाता दीदी मेरी टीम में, वो पिछली बार की तरह मुझे इस बार भी जिताएंगी। किस दिन? अरे उस दिन जिस दिन आपने मुझे जिताया था। मुझे तो कुछ याद नहीं है। अरे कुछ याद नहीं है वो दिन जिसमें आपने मुझे जिताया था? नहीं मुझे कुछ याद नहीं है, और मुझे याद करने की कोशिश भी नहीं करनी। पर क्यों दीदी? पता नहीं, मैं उस दिन या दो तीन दिन पुरानी बातें याद करने की कोशिश करती हूँ, मेरा सर दर्द हो जाता है। बच्चों। हाँ जी पापा। आज रात को हम सब डिनर पे चलेंगे, तुम लोग सब रेडी रहना। ये। हाँ जी पापा। अरे बाप, इतने दिन बाद डिनर पे आज तो मजा ही आ जाएगा। सब मिलके एंजॉय करेंगे। ओके सियान। ओके पापा। लेटर। मम्मा क्या मैं रात को डिनर के लिए ये वाली शर्ट पहन लूं? हाँ हाँ बेटा जरूर पहनो ना, बहुत अच्छी है। शीशे में कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? अरे अभी तो मैं नजर आ रही थी, मैं नजर क्यों नहीं आ रही शीशे में?
मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। पापा पापा हम डिनर के लिए रेडी हो गए। अरे वाह, चले बेटा सियान। चलो चलते हैं। वेरी गुड, ऐसा करते हैं मम्मा को बुला लेते हैं। पापा मम्मा कहाँ है? बुलाता हूँ मैं। पुनीत, पुनीत। मम्मा, मम्मा। मम्मा कहाँ है? अनायता, आपने देखा है पुनीत को? नहीं भैया, हम तो उस कमरे में खेल रहे थे, मुझे नहीं पता था भी कहाँ है। हाँ पापा, मैंने देखा है मम्मा को। मम्मा को कहाँ पर? वो ड्रेसिंग रूम में थी, अपनी कमी करी थी उसके सामने। कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कौन हो? कौन है? कौन है यहाँ? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखा है? मुझे जाने दो। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए इसी शीशे में कैद रहोगी। नहीं रफी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रफी यहाँ नहीं रहना प्लीज, मुझे जाने दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे को नहीं रहना। बिगाड़ेंगे तो हम। और मदद करेगी तू? हाँ बताओ बताओ, मैं तुम्हारी कहाँ मदद करूँ? ड्रेसिंग रूम में। हाँ। मैं भी देख रहा था। अरे पुनीत, तुम शीशे के अंदर कैसे? थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लेइंग स्नेक्स एंड लैडर इन रियल लाइफ लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। सुपर मजा आ रहा है। सुपर वीडियो के लिए क्लिक 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 क्लिक। बहुत अच्छी वीडियो है। क्लिक 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 क्लिक।